हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ एडवोकेट कविता होप्स यू ऑल आर डूइंग गुड अगेन आई एम हैव विद यू टू डिस्कस नॉट आर नॉट अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई एम हैव विद यू टू डिस्कस अबाउट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फ्रेंड्स हम डेली बात करते हैं अबाउट द लो टॉपिक बट बेसिकली आज मेरा मन हुआ आपके सब कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो मैं डिस्कस करूँ दैट इज़ अबाउट द सुरेंद्रा के पटेल जस्टिस इन द यू इन द टेक्सास ही वॉज अपॉइंटेड एज ए टू फोर्टीथ डिस्ट्रिक्ट जज इन द टसास यू एस तो बेसिकली फ्रेंड सुरेंद्र की पटेल जी जो बेसिकली केरला से बिलोंग करते हैं वो चुने गए हैं एज ए टू फोर्थीथ डिस्ट्रिक्ट जज इन द यू एस इन द टसास तो बेसिकली वो केरला से बिलोंग करते हैं उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही अगर आपको लगता है यू एस में होगा तो प्रॉपर फाइनेंशियली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रोंग रहा होगा यू एस गए होंगे फैमिली उन्हें सपोर्ट किया होगा बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट क्या हुआ उनकी जो जर्नी है बहुत स्ट्रगलफुल रही है इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत inspirational स्टोरी है जो लो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली उनकी लाइफ इतनी स्ट्रगलफुल रहती है कि भाई वो ये सोचते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो ऐसा नहीं है फ्रेंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं अगर वो मेहनत करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं जैसे कि जो सुरेंद्रा जी हैं उन्होंने केरला में जन्म लिया और उन्होंने अपनी स्टडी स्कूल में कॉन्टिन्यू की अब आप सो सकते हैं जब कोई बच्चा अपनी ही स्टडी को सपोर्ट करे और अपने साथ में अपने फैमिली को सपोर्ट करे फाइनेंशियली सपोर्ट करे तो कितना स्ट्रगलफुल रहता है वो भी स्कूल का बच्चा हो तो जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने एज ए बीड़ी वर्कर काम किया आप समझ सकते हैं एज़ ए बीड़ी वर्कर काम करना कितना टफ होता होगा बच्चे के लिए तो उन्होंने एज ए बीड़ी वर्कर काम किया और उन्होंने जब एज ए बीड़ी वर्कर काम किया उनकी अटेंडेंस काफ़ी बार रह जाती थी शॉर्ट एक बार तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब की तो कहीं ना कहीं वो अपने अटेंडेंस को मेंटेन कर पाए लेकिन एक बार उन्होंने फुल टाइम जॉब की जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई और उनकी स्टडी में आया गैप उनकी स्टडी में गैप आया तो गैप आने के बाद उन्होंने फिर से सोचा स्कूल ज्वाइन करने के लिए उन्होंने फिर से अपनी स्टडी को कॉन्टिन्यू किया फिर से उन्होंने एज ए बी डी का काम किया तो कहने का मतलब उनका फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं था उन्होंने खुद से काम किया और एक बी वर्कर का काम करने के बावजूद उन्होंने अपनी स्टडी को कॉन्टिन्यू रखा उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने उनके मन में आया एल करने का करने उनका कहीं ड्रीम ही था ये तो उन्होंने एल कंटिन्यू की उन्होंने एल कंटिन्यू की तो उस दौरान भी उनका कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था खुद ही उन्हें सब कुछ करना था उन्होंने एक होटल में जॉब ढूंढी होटल में जॉब ढूंढने के साथ साथ वो जॉब करने के साथ और उन्होंने अपनी एल कंटिन्यू की एल एल बी कॉन्टिन्यू की इस दौरान या इसके कुछ आस ही उनकी शादी हो गई उनकी वाइफ बहुत सपोर्टिव निकली क्योंकि वो एक नर्स थी और वो नर्स थी तो उनकी फिर लगती है डेली में जॉब और डेली में जॉब लगती है तो वो डेली शिफ्ट कर जाते हैं डेली शिफ्ट करने के बाद उनकी वाइफ की लगती है यू में जॉब क्योंकि आपको तो जैसे पता ही है कि अदर कंट्रीज़ में जो नर्सिंग का है उनका बहुत क्रेज़ है तो उनको वहाँ वैल्यू भी दी जाती है तो वो कहते हैं यूएस में शिफ्ट करते हैं एडवोकेट साहब भी तो वो जैसे ही यूएस में शिफ्ट करते हैं वहाँ जाकर वो अपनी एलएलएम कंटिन्यू करते हैं एलएलएम कंटिन्यू करने से पहले बेसिकली जो बात रह गई वो अपना बार काउंसिल का एग्ज़ाम वहाँ पर क्लियर करते हैं जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है बार काउंसिल का एग्ज़ाम होता है आफ्टर द एल जो हमें ए का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है इस तरह से वहाँ उस कंट्री में भी यू में भी एग्ज़ाम होता है जो उन्होंने क्लियर किया क्लियर करने के बाद उन्होंने अपनी एल कंटिन्यू की एल करने के बाद उनकी भी फिर भी जो उनका करियर रहा वो स्ट्रगलफुल रहा वहाँ पर भी उन्हें टाइम लगा लेकिन बेसिकली बात इस वीडियो की इन शॉर्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना जो चाहती हूँ उन्होंने केरला से जहाँ पर उनका फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं था बिल्कुल ही नॉर्मल से नॉर्मल बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्होंने इवन बी वर्कर तक काम करके कहने का मतलब काम कुछ बड़ा छोटा नहीं होता अगर आप खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने आप को और फैमिली को सपोर्ट करके कुछ अच्छा करते हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती तो आपके तो काफ़ी बार जो आजकल के बच्चे हैं उनको तो फैमिली बहुत सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप इस स्टोरी से कुछ सीख पाए इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है कहां से उठकर कैसे खुद को सपोर्ट करके फाइनेंशियली और वो कहां तक पहुंचे हैं वो पूरे इंडिया के लिए एक प्राउड की बात है वो क्योंकि एक बेटे हैं इंडिया के और वो एज ए टू फोर्टीथ डिस्ट्रिक्ट जज हैं आज अपॉइंट हैं वहां पर तो होप सो फ्रेंड्स आपको उनके स्ट्रगलफुल लाइफ के साथ सीखने को कुछ मिला हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको आप लाइक like कीजिए और हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेशली जो लो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले उनके साथ शेयर कीजिए तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हेयर थैंक यू